आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 165वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने, कठोर लगान और भारतीय रजवाड़ों के साथ बुरे बर्ताव सहित अनेक धारणाओं से उत्पन्न असंतोष ने लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को उकसाया। लेकिन संघर्ष की चिंगारी भड़कने का तात्कालिक कारण ग्रीस लगे कारतूसों का इस्तेमाल था। यह अफवाह फैल गई कि उन कारतूसों में प्रयुक्त ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मेरठ में मई 1857 में तीसरी रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसकी वजह से उनका कोर्ट मार्शल किया गया और लंबे कारावास की सजा सुनाई गई। 10 मई को सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और साथी सिपाहियों को छुड़ा लिया। सिपाहियों ने तुरंत ही दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 81 वर्षीय बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। शीघ्र ही संग्राम की ज्वाला उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध तक फैल गई। कंपनी बहादुर बनकर हमसे कह रही कि हम बागी हैं। हम अबू जफर सराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ताजदार हिंद बागी हैं। हमने बगावत की। आज जैसे तुम बगावत कर रहे हो, तारीख उसे हमारी जंग आजादी का पहला कदम कहेगी। और ये मत भूलो, आजादी की लड़ाई एक बार शुरू हो जाती है तो मुकम्मल आजादी हासिल किए बिना खत्म नहीं होती। तुम अपने जुल्मों के इंतहा लाओ, हम अपनी कुर्बानियों का हौसला लाते रहेंगे। इसलिए अबू जफर की शिकस्त हिंदुस्तान की शिकस्त मत समझ लेना। दिल्ली हाथ से निकलना अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा नुकसान था। जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैलती गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मी बाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, प्रयागराज और वाराणसी में मौलवी लियाकत अली और बिहार में कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तेजी से कार्रवाई की। सेना की सहायता से सितंबर के अंत तक दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से दबाने में अंग्रेजों को लगभग एक वर्ष लगा। 20 जून 1858 को ग्वालियर में स्वतंत्रता सेनानियों की पराजय के बाद ही स्वतंत्रता की उस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद हिला दी थी। इसका बड़ा परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में सामने आया। इस कानून से भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत पर ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई और प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ऐसी चिंगारी लगाई और ऐसी ऊर्जा का संचार किया जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखने के लिए लोगों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत बनी रही। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।